हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला था जिस पर मैंने एक ये वाला एडिट बनाया है। यहाँ पर कुछ लोग पूछते हैं कि आपने ये क्यूब एनिमेशंस कैसे बनाया, तो हाँ, आज के वीडियो में मैं 3 levels ऑफ क्यूब एनिमेशंस बताऊंगा। फर्स्ट लेवल पर सीखेंगे हम एक बेसिक क्यूब एनिमेशन, सेकेंड लेवल पर हम सीखेंगे 3D बैकग्राउंड के साथ क्यूब एनिमेशन, और थर्ड लेवल पर एडवांस वाला क्यूब एनिमेशन। इसे बनाना आसान है लेकिन काम थोड़ा लेंदी है, तो देखते रहो लास्ट तक वीडियो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी हाउ आई मेड दिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक AI टूल के बारे में बता रहा हूँ जिससे हम किसी भी वीडियो का लैंग्वेज ही बदल सकते हैं। जैसे SRK का एक डायलॉग है जो हिंदी में है, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। And now हमने इस AI tool से इसे English में change कर दिया। They say it. Love something with all your heart. The entire universe seemingly works together to bring her to you. देखा, सही है ना? तो इस AI का नाम है Blipkart Video Translation। और सिर्फ वीडियो ट्रांसलेशन ही नहीं, हम इसकी वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ आपको बहुत से टूल्स मिल जाएंगे, जैसे कि AI सबटाइटल ट्रांसलेटर। सबटाइटल भी जनरेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। यूट्यूब का ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करना है, सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, किसी भी भाषा में हो जाएगा। और भी टूल्स है, चलो मेन टूल का यूज करते हैं। आप यहाँ कोई लिंक डायरेक्ट पेस्ट कर सकते या फिर अपने PC से इम्पोर्ट कर सकते। मैं अपने PC से एक वीडियो इम्पोर्ट करता हूँ। अब यहाँ पर पहले तो वीडियो का जो भी लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करो। देन यहाँ पर आपको वीडियो किस भाषा में चाहिए, जैसे मुझे हिंदी में चाहिए। और सिर्फ हिंदी में नहीं, मैं चाहूँ तो इसे कोरियन में, जापानीज में भी कर सकता हूँ, वो भी एक साथ। तो अभी के लिए मुझे सिर्फ हिंदी चाहिए, तो इन्हें मैं हटा दूंगा। या अभी यहाँ पर आपको मेल या फीमेल कोई भी आवाज मिलेगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है। भारतीय शास्त्र कला जयपुर में आप आमिर, आपकी पसंद ही आपका भविष्य तय कर। आई थिंक ये सही रहेगा, तो इसे मैं चुनकर यहाँ ट्रांसलेट पर क्लिक करता हूँ। नाउ ये कुछ टाइम लेगा एंड कुछ देर में ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ आप सबटाइटल में कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं। यहाँ मुझे सब सही लग रहे तो मैं कुछ नहीं करूँगा। और यहाँ से आप चाहे तो इसके कैप्शंस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, मैं ऑन ही रखता हूँ। और फिर यहाँ अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करके आपने जो भी एडिट किया है वो सेव हो जाएगा। देन आप एक्सपोर्ट कर दो, फिर आप इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिर्फ ऑडियो चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। तो पहले आप ओरिजिनल वीडियो देखो। So you made this watch? Yeah, we made this watch. Okay. It took us like 1.5 years. All right. So what's special about this watch? We have tried to match the accuracy of like good expensive smartwatches and और ये रहा ट्रांसलेटेड वीडियो। तो आपने ये घड़ी बनाई? हाँ, हमने ये बनाया। ठीक है, हमें लगभग 1.5 साल लगे। ठीक है, तो इस घड़ी में खास क्या है? हमने महंगे स्मार्ट वॉच की सटीकता को हासिल करने की कोशिश की है। सही है, श्लोक का आवाज कुछ और ही रखना चाहिए था, पर ये भी ठीक है। एंड बाय द वे, अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है तो आपको अभी 60-70% ऑफ मिल सकता है बाय करने पर। जैसे कि अगर आप ईयरली प्लान लेते हो तो 17.50 डॉलर पर मंथ ही पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको मिलेगा 900 क्रेडिट प्लस 90 क्रेडिट फ्री। तो मिस मत करना, ये अभी जाके बाय करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलो अपने मेन वीडियो पर चल रहे हैं। सो वेलकम टू द लेवल 1। यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक कॉम्पोजिशन बनाएंगे, एक स्क्वायर साइज का, 1080 एंड 1080 का। ये हमारा क्यूब का एक फेज होगा, इसे मैं फेज से रिनेम कर दूंगा। अब इस कॉम्पोजिशन के अंदर या फेज के अंदर हम एक फोटो एडिट कर देते हैं। मैं कोई भी रेंडम सा फोटो एड कर रहा हूँ। अब इस कॉम्पोजिशन से बाहर आ जाना, देन हमने जो फेस बनाया है उसे यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर इस लेयर को मैं 3D बना दूंगा, और 3D बनाने के बाद अपन लोग को दो स्क्रीन चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर व्यू पर जाकर इसे 2 view पर सेट कर दूंगा, और मैं इस लेफ्ट वाले स्क्रीन को अब टॉप पर सेट कर दूंगा। अब इस फेस वाले लेयर को मैं एक बार डुप्लीकेट करूंगा, और एक लेयर को इस तरह से 90 degrees घुमा दूंगा। अभी इस आइकन को टच करना है और यहाँ पर रूलर्स वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना, और कुछ इस तरह से यहाँ और यहाँ पर मैं एक एक स्केल रख दूंगा जो हमें थोड़ी देर बाद काम आएगा। अब देखो, एक क्यूब में 6 phases होते हैं जिन्हें हर एक कोनों से जोड़ना पड़ता है, लेकिन इसे हम आफ्टर इफेक्ट में कैसे करेंगे? तो आप मुझे देखो, मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ मैं इस फेस को फिर से डुप्लीकेट करूँगा,
और इस फेस को मूव करते हुए हमें यहाँ ले जाना है ठीक इस स्केल के ऊपर जो हमने बनाया था अभी। उसी तरह से इस दूसरे वाले फेस को भी उसके अपोजिट साइड पर रख देना। अब जो बीच का फेस है इसे फिर से डुप्लीकेट करना, एक को नीचे रखेंगे एंड दूसरे को ऊपर रखेंगे। अब इसमें हमने चारों तरफ तो रख दिए लेकिन फ्रंट और बैक में कैसे रखेंगे, तो इसके लिए आपको लेफ्ट स्क्रीन को अब राइट पे सेट करना होगा और यहाँ पर लेयर्स को क्लिक कर करके देखना कि कौन किधर है। जैसे कि ये फर्स्ट वाला मेरे को इसका एंकर पॉइंट सामने में दिख रहा है, मतलब ये फ्रंट में है। ये सेकेंड वाला भी फ्रंट में दिख रहा है, मतलब ये बैक में होगा। थर्ड वाले का एंकर पॉइंट मुझे लेफ्ट साइड दिख रहा है, मतलब ये लेफ्ट साइड है। और ये फोर्थ वाला लेयर भी उस साइड है, मतलब कि ऊपर और नीचे कोई लेयर नहीं है। तो मैं इस चौथे लेयर को फिर से डुप्लीकेट करता हूँ और इसे उसके ऊपर रख देना है कुछ इस तरह, और लास्ट बार और डुप्लीकेट करना और नीचे तरफ रख देना। बस हो गया। अभी इन सभी लेयर को आपको सिलेक्ट करना है और इन्हें प्री कम्पोज कर देना। इसका नाम मैं क्यूब 1 कर देता हूँ और इस लेयर को 3D कर देना। अब इसे रोटेट करते हैं तो ये क्या हुआ, ये तो क्यूब बना ही नहीं, तो अब क्या करें। तो आपको यहाँ इधर एक ऑप्शन मिलेगा, इसे टिक कर देना और ये टिक करते ही अपना क्यूब जो है बन जाएगा। तो चलो अब इसे एनिमेट करते हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट वाले स्क्रीन को फिर से टॉप पर सेट कर दूंगा और इन रूलर्स को हम हटा देंगे क्योंकि अब जरूरत नहीं है। अब हम ओपन करेंगे क्यूब के ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन को। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपको पोजीशन और एक्स वाई रोटेशन के स्टॉपवॉच पर क्लिक करके की फ्रेम ऐड कर देना है। नाउ प्रेस यू, जिससे हमें सिर्फ वही की फ्रेम्स वाले ऑप्शन दिखे। अभी लेफ्ट वाले स्क्रीन पर आना और इसे इस तरह से ऊपर की ओर ले जाना जिससे अपना क्यूब पीछे की तरफ चला जाए राइट स्क्रीन पर। अब टाइमलाइन में कुछ आगे की ओर जाते हैं और कुछ चेंजेस लाते हैं, जैसे कि इस क्यूब को मैं थोड़ा आगे ले आता हूँ और इसके वाई रोटेशन को मैं पूरे 3 चक्कर घुमा दूंगा और एक्स रोटेशन में जस्ट आपको 30 डिग्री चेंजेस लाने हैं। वाई रोटेशन को थोड़ा सा और बढ़ा लेना ताकि ये कुछ इस तरह से लगे। अभी टाइम में आगे जाना लगभग एंड में और वाई रोटेशन में 4 राउंड्स और ऐड कर देंगे, मतलब कि 7 राउंड्स। और एक्स रोटेशन में पहले ये 30 था तो अब इसे -30 डिग्री कर देंगे और इसे मैं फिर से पीछे की ओर ले जाऊंगा। अभी इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना, फिर जाइए फ्लो चार्ट पर और कुछ इस तरह का फ्लो बनाओ और इसे अप्लाई कर दो। फिर जाइए इफेक्ट पैनल पर, यहाँ आपको एक इफेक्ट लगाना है सिंपल चौकर, इसे इस क्यूब पर ऐड कर देना और यहाँ इसकी वैल्यू को मैं 30 कर देता हूँ। तो इससे क्या फर्क आया, तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहले इनके कॉर्नर्स थोड़े शार्प थे, अब ये थोड़े से राउंड हो गए स्मूथ टाइप। इसके मोशन ब्लर को ऑन कर देना, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इस पर तो मोशन ब्लर है ही नहीं तो ये ऐसे वर्क नहीं करेगा। आपको इसके अंदर जाकर सभी लेयर के मोशन ब्लर को ऑन करना है। तो अब देखो ये वर्क कर रहा है एंड एट द एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर लेवल 2 और यहाँ मैं आपको आफ्टर इफेक्ट के एक प्रॉब्लम का पार्ट पढ़ाता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक कॉम्पोजिशन है जिस पर ये वाला फोटो ऐड है और मैं चाहता हूँ इसे डुप्लीकेट कर दूँ एंड दूसरे वाले के फोटो को चेंज कर दूँ, तो मेरे पास ये वाला क्यूब आ जाएगा। और मैं सोचता हूँ कि मेरे पास 2 अलग अलग क्यूब हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये भी चेंज हो जाता है। तो अब ऐसा क्या करें कि मुझे फिर से वो क्यूब ना बनाना पड़े, मैं इसे ही दोबारा रीयूज कर सकूं। इसके लिए हमारे पास है एक प्लगइन ट्रूकॉम डुप्लीकेटर। इसे डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना आपको मैं यहाँ नहीं बता सकता, बहुत ही टाइम वेस्ट होता है। आपको एक लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। तो हम सबसे पहले उस क्यूब को सिलेक्ट करते हैं, फिर इस ट्रूकॉम डुप्लीकेटर पर जाते हैं। यहाँ कॉपीज पर आकर हमें जितनी कॉपीज चाहिए उतने लिखते हैं, जैसे एक तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे 2 और चाहिए, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा और डुप्लीकेट सिलेक्टेड कर दूंगा जिससे मेरे पास 2 क्यूब और आ जाएंगे कुछ इस तरह। अभी देखो जैसे कि मैं क्यूब 2 पर जाता हूँ, फिर इसके फेस के अंदर जाएंगे और यहाँ मैं कोई दूसरा फोटो ऐड कर देता हूँ। ठीक इसी तरह हमें क्यूब 3 पर जाना है और इसके अंदर और जाना और इसके अंदर हम एक बैकग्राउंड को ऐड कर देते हैं। ये बैकग्राउंड थोड़ा सा लेट शुरू होता है तो इसे मैं ट्रिम कर दूंगा।
और चलो सबसे पीछे आ जाते हैं अपने मेन कॉम पर, जिसके ऊपर हमने बैकग्राउंड एड किया उसे मैं रीनेम कर दूंगा ताकि मुझे याद रहे। अभी इस वाले प्रोजेक्ट में मुझे दो क्यूब की जरूरत पड़ेगी, एक तो नॉर्मल क्यूब और एक बैकग्राउंड वाला क्यूब। तो इन्हें यहाँ ऐड कर देना, इन्हें 3D बना देना और साथ ही ये वाला ऑप्शन तो जरूर ऑन कर देना। अभी मुझे चाहिए एक नल ऑब्जेक्ट और साथ ही मुझे चाहिए एक कैमरा लेयर। कैमरे को ऐड करने के बाद इसके प्रॉपर्टीज पर जाना, इस कैमरा वाले ऑप्शन को ओपन करना और इसकी जूम वाले वैल्यू पर आकर मैं इसे 1500 पर सेट कर देता हूँ ताकि इसका जूम थोड़ा कम हो जाए। अब ये कैमरा थोड़ा आधा आधा सा लग रहा है। दूसरा काम ये है कि हमें इस बैकग्राउंड वाले क्यूब की साइज को बढ़ाना है, कुछ इतना बढ़ाना है कि ये पूरा कैमरा उससे ढक जाए, जैसा कि आप लेफ्ट स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम इस दोनों क्यूब को सिलेक्ट करेंगे और इसे इस नल के साथ जोड़ देंगे पेरेंट एंड लिंक वाले ऑप्शन से। मैं इस नल को भी 3D बना दूंगा, साथ ही इस वाले ऑप्शन को ऑन कर दूंगा। अब मैं इस नल के रोटेशन प्रॉपर्टीज को ऑन करूंगा। इसमें मैं एक्स एंड वाई वाले रोटेशन की वैल्यू पर की फ्रेम ऐड करता हूं, फिर टाइमलाइन पर कुछ आगे जाते हैं, फिर कुछ चेंजेस लाएंगे, जैसे कि वाई रोटेशन को मैं पूरे 2 चक्कर घुमा दूंगा, साथ ही थोड़ा सा 30 डिग्री एक्स्ट्रा, एंड नेक्स्ट रोटेशन को जस्ट -30 डिग्री। मैं यहाँ जेड रोटेशन में भी एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। अब जाएंगे टाइमलाइन पर कुछ आगे लगभग एंड में। अब यहाँ कुछ चेंजेस लाने हैं, जैसे कि जेड रोटेशन को पूरा 1 चक्कर घुमाने का है, वाई रोटेशन में 2 और चक्कर मतलब कि चौथा चक्कर, और एक्स रोटेशन को -30 से +30। अब जैसा कि हम करते हैं, इन सभी की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और वही वाला फ्लो अप्लाई कर दूंगा जो अपन लोग किए थे। साथ ही इसमें भी वही इफेक्ट ऐड कर देना, सिंपल चौकर, और सब काम हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ इट्स लेवल 3, जहां पर मुझे तीनों क्यूब की जरूरत पड़ेगी। साथ ही यहां पर हम एक नल ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे और एक कैमरा लेयर को ऐड करेंगे। इतना लेयर तो लगना ही लगना है। अभी जो अपने पास लेफ्ट वाला स्क्रीन है उसे टॉप पर सेट कर देना, और जैसा कि हमने कैमरे के साथ पहले किया था, उसकी जूम को हमें कम करना है। वो इसके कैमरा वाले ऑप्शन पर आ जाना, जूम की वैल्यू को सिर्फ 1500 कर देना। नाउ जैसा कि हम करते हैं, इन सभी को 3D बना देना और साथ ही इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देना। क्यूब 1 और क्यूब 2 को सिलेक्ट करेंगे और इसके साइज को थोड़ा सा कम करेंगे, लगभग 70, और बैकग्राउंड वाले क्यूब को आपको पता है इसकी साइज को आपको इतनी बढ़ानी है कि पूरा कैमरा इसे ढक जाए। अब हमें क्यूब 1 और क्यूब 2 के बीच एक गैप लाना है, तो इसके लिए पहले क्यूब 1 को सिलेक्ट करता हूँ और कुछ इतना दूर मूव कर देता हूँ। ठीक उसी तरह क्यूब 2 को सेट करना और उसे कुछ इस तरह से मूव कर देना, ठीक उसकी अपोजिट। ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अभी टाइमलाइन पर कुछ हम इस तरह से मार्क बनाएंगे, 3 मार्क बीच में रहेंगे और 2 मार्क स्टार्ट में और एंड में। अब क्यूब 1 और क्यूब 2 की रोटेशन प्रॉपर्टी को ऑन करना, यहाँ पर एक्स एंड वाई वाले वैल्यू पर की फ्रेम ऐड करना, नाउ प्रेस यू जिससे हमें सिर्फ की फ्रेम वाले वैल्यूज दिखे। अब जाना सेकंड मार्कर पर। अब यहाँ के वैल्यूज में चेंज लाने के कुछ रूल है, जैसे कि मैं क्यूब 1 में +90 +90 डिग्री रखता हूँ दोनों में, और क्यूब 2 में -90 एंड -90 डिग्री रखता हूँ। अब जाएंगे थर्ड मार्कर पर, और उसी तरह यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू जैसे 10 डिग्री एंड 10 डिग्री रखता हूँ, और उसी तरह से क्यूब 2 पर ठीक उसका उल्टा -10 डिग्री एंड -10 डिग्री ऐसा करना है। मैं बस ये चाहता हूँ ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एनिमेट करे। अब उसी तरह से फोर्थ मार्कर पर आना, और यहाँ भी वैसे ही वैल्यूज रखना जैसा मैं कर रहा हूँ। आप अपने मन से भी कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इन पर सभी की फ्रेम्स ऐड हो जाने के बाद इन्हें सेलेक्ट करते हैं और वही फ्लो को अप्लाई करते हैं जो अपन लोग कर ही रहे हैं। अब क्यूब का काम हो गया, तो इन तीनों क्यूब को मैं सेलेक्ट करूंगा और इसे नल के साथ जोड़ दूंगा पेरेंट एंड लिंक वाले ऑप्शन से। तो चलो अब इस नल को एनिमेट करते हैं। तो इसके रोटेशन वाले प्रॉपर्टी को ओपन करना, यहाँ भी की फ्रेम एड्स करने के कुछ रूल हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट मार्कर पर यहाँ वाई एंड एक्स रोटेशन की
की वैल्यूज पर की फ्रेमेट करता हूँ। अब चलते हैं सेकंड मार्कर पर, यहाँ मैं जेट रोटेशन की वैल्यू पर की फ्रेमेट करूंगा। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड मार्कर एंड अगेन एट की फ्रेम ऑन एक्स एंड वाई रोटेशन। फिर जाना फोर्थ मार्कर पर और यहाँ जेड रोटेशन पर फिर से। अब जाना फिफ्थ मार्कर पर मतलब लास्ट में और यहाँ एक्स एंड वाई वैल्यू पर फिर से की फ्रेम ऐड कर देना। आपको कुछ इस तरह से की फ्रेम ऐड करना है। अब इनकी वैल्यूज पर आते हैं। शुरू के की फ्रेम्स पे मैं कोई चेंजेस नहीं लाता हूँ, डायरेक्ट थर्ड मार्कर पर आते हैं। यहाँ मैं वाई रोटेशन को 2 राउंड पर सेट कर देता हूँ एंड एक्स रोटेशन को जस्ट 30 डिग्री। अब जाना फिफ्थ मार्कर पर एंड इस बार इसे करना 4th राउंड प्लस 7 में 10 डिग्री एक्स्ट्रा, यानी उसके बाद एक्स रोटेशन को प्लस 30 से माइनस 30 डिग्री कर देना। अब उसी तरह से जेड रोटेशन में भी चेंज लाते हैं। शुरू में तो ये 0 रहेगा, फिर दूसरे की फ्रेम मतलब 4th मार्कर पर चलते हैं और यहाँ मैं पूरा 1 राउंड इस पर सेट कर लेता हूँ। नाउ ये सब हो जाने के बाद आपको इन्हें सेलेक्ट करना है, वही फ्लो आपको अप्लाई करना है जो अपन लोग कर रहे हैं एंड अगेन सेम स्टेप वही इफेक्ट ऐड करना है जो अपन लोग कर रहे थे और इस इफेक्ट की वैल्यू को 30 कर देना। और मैं बहुत टाइम से एक चीज देख रहा हूँ कि इस क्यूब का एक साइड और दूसरा साइड दोनों के ब्राइटनेस सेम है। मैं ये चाहता हूँ कि एक साइड लाइट दिखे और दूसरा साइड डार्क दिखे, तो ये करने के लिए हम जाएंगे न्यू पर, यहाँ पर ऐड करेंगे एक लाइट, इसके टाइप पर जाना और इसे स्पॉट पर सेट कर देना। अब मुझे इस लाइट वाले लेयर को इस कैमरे के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसे सही से रोटेट करता हूँ और इसे मूव करते हुए कैमरे के पास ले आता हूँ। सिर्फ टॉप वाले व्यू पर ही नहीं, आपको इसे राइट वाले व्यू पर भी सेट करना पड़ेगा। यहाँ भी इसे सही से एडजस्ट करेंगे, ये ठीक कैमरे के डायरेक्शन पर होना चाहिए। अभी मैं इस लाइट के ऑप्शन पर जाता हूँ और इसकी इंटेंसिटी को 150 से बढ़ा देते हैं। नाउ अब इसके राइट साइड मुझे डार्क दिखेंगे, तो इन सब के मोशन ब्लर को मैं ऑन कर दूंगा और इसे फुल पर सेट कर दूंगा, तो एट द एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा। बाय द वे मुझे इस लाइट को उन पर भी ऐड करना चाहिए था, बाकी 2 प्रोजेक्ट पर, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ भी, तो ये सही लगेगा। तो बस यही तक था वीडियो, मिलते हैं कोई और अदर ट्यूटोरियल वाले वीडियो में। टाटा बाय बाय।